नमस्कार, मैं हूं नीरज कुमार और आप देख रहे हैं माय मीडिया न्यूज। वक्त हो गया है आज के ताजातरीन खबरों का। बहराइच हिंसा के आरोपियों के घरों पर अब नहीं चलेगा बुलडोजर, हाई कोर्ट ने लगाई रोक, सरकार से 3 दिन के अंदर मांगा जवाब। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बिहार के पूर्णिया में हिंदू स्वाभिमान यात्रा के दौरान सीमांचल में लव एंड लैंड जिहाद के बढ़ते खतरे को चिंताजनक बताया। उन्होंने कहा कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमान हिंदुओं की अस्मिता को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। इस यात्रा का उद्देश्य हिंदुओं को जगाना और उनकी अस्मिता की रक्षा करना है। दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में 2 गुटों के बीच फायरिंग का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि 10 राउंड फायरिंग किए गए हैं, इसमें एक युवक की मौत हो गई और 2 अन्य घायल हो गए। जालंधर में एक महिला का मोबाइल छीनने वाले झपटमार को लोगों ने पकड़कर पीट दिया। यह घटना थाना 2 के अंतर्गत आने वाले अंडर ब्रिज के पास का है, जहां झपटमार के पकड़े जाने के बाद उसकी पत्नी उसे छुड़ाने के लिए पहुंची और बोली कि इसे छोड़ दीजिए, गलती हो गई, आज करवा चौथ है। लेकिन पीड़ित परिवार कार्रवाई की जिद पर अड़ गया। पुलिस ने झपटमार को हिरासत में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार के कारणों की जांच के लिए गठित फैक्ट फाइंडिंग कमेटी को मिली रिपोर्ट में ईवीएम में गड़बड़ी और कुमारी शैलजा की नाराजगी को हार का कारण बताया गया है। कमेटी में बताया गया है कि शैलजा की अनदेखी से दलित मतदाताओं ने कांग्रेस से किनारा कर लिया। बता दें कि चुनाव से पहले शैलजा पार्टी से नाराज हो गई थी। साइबर ठगों ने देहरादून में लोक निर्माण विभाग के एक अधिकारी के व्हाट्सएप अकाउंट को हैक कर लिया। पाकिस्तान के एक नंबर से की गई कॉल के बाद ठग ने खुद को आईपीएस और ईडी का अधिकारी बताया। अधिकारी को झांसे में लेकर एक लिंक भेजा, जिस पर क्लिक करते ही व्हाट्सएप हैक हो गया, जहां पटेल नगर पुलिस ने प्रीत के शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस न्यूज़ को लाइक और कमेंट नहीं किया है तो प्लीज लाइक और कमेंट कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट का मैं कब से इंतजार कर रहा हूँ। आज से 2 दिवसीय एनडीटीवी वर्ल्ड समिट 2024 का आयोजन हो रहा है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। इस अवसर पर देश दुनिया के बड़े चेहरे मौजूद रहेंगे। बीते कल कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक रद्द हो गई थी, जिसमें विधानसभा चुनाव के उम्मीदवारों की सूची तय की जानी थी। अब यह बैठक आज शाम 5 बजे होगी, जहां कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और नेता विपक्ष राहुल गांधी मौजूद रहेंगे। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मंडाविया आज ई श्रम वन स्टॉप सॉल्यूशन लॉन्च करेंगे। यह पहल असंगठित श्रमिकों को विभिन्न सामाजिक कल्याण योजनाओं और सरकारी कार्यक्रमों तक सुगम पहुंच प्रदान करने के उद्देश्य से की जा रही है। उत्तर प्रदेश के मदरसा एक्ट को असंवैधानिक घोषित करने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने के मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, जहां उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने असंवैधानिक घोषित कर दिया था, जिसके बाद कोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी, जिस पर आज सुनवाई होगी। जम्मू कश्मीर विधानसभा में उपराज्यपाल की ओर से 5 विधायक मनोनीत करने के खिलाफ दायर याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ सुनवाई करेगी। इस मामले पर कांग्रेस की मांग है कि 5ों विधायकों का नामांकन चुनी हुई सरकार करे। इस संबंध में कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश के रीवा में नए हवाई अड्डे का डिजिटल माध्यम से उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर रीवा में उद्घाटन कार्यक्रम में डॉक्टर मोहन यादव समेत केंद्रीय मंत्री और राज्य के मंत्री मौजूद रहेंगे। राजस्थान की राजधानी जयपुर में आज पुलिस शहीद दिवस के अवसर पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहां आरपीए में शहीद स्मारक पर शहीद पुलिस कर्मियों के सम्मान में गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। ओला उबर और रैपिडो पर बाइक होंगे बैन। अखिलेश शुक्ला और नरेश निषाद के नेतृत्व में ड्राइवरों ने सुप्रीम कोर्ट जाने का किया फैसला। बंगाल की खाड़ी में एक और चक्रवाती तूफान उठने के आसार हैं। मौसम विभाग ने इसे लेकर खास अलर्ट जारी किया है। इसमें बताया गया है कि 110 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यह तूफान आ सकती है।
महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने 99 उम्मीदवारों की अपनी पहली सूची जारी कर दी। इसमें 71 पुराने विधायकों को टिकट मिला है। इस सूची में 13 महिला उम्मीदवार सहित उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस एवं प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावन कुले के भी नाम है। गुजरात के अमरेली जिले से बड़े हादसे की खबर आई है, जहाँ बिजली की चपेट में आने से 5 लोगों की मौत हो गई। हादसा तब हुआ जब ये लोग कपास के खेत में काम कर रहे थे। इसी दौरान चमक गरज के साथ बारिश आई और आकाशीय बिजली की चपेट में ये लोग आ गए। राजस्थान उपचुनाव में बीजेपी ने पुराने बागियों सहित 6 सीटों के उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, जिसमें पूर्व विधायक और मंत्री किरोरी लाल मीना के भाई भी शामिल हैं। झारखंड का कुख्यात गैंगस्टर अमन साहू बरका गांव विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी में है। उनके वकील हेमंत सिकरवार ने चुनाव के लिए नामांकन फॉर्म पर अमन साहू से साइन करवाए हैं। साथ ही अमन की ओर से झारखंड हाईकोर्ट से चुनाव लड़ने की अनुमति के लिए जमानत की आवेदन भी लगाई गई है। छत्तीसगढ़ के सुदूर आदिवासी क्षेत्र सरगुजा को हवाई कनेक्टिविटी मिल गई है। इससे इस क्षेत्र के साथ साथ राज्य की इकोनॉमी में भी मजबूती आएगी। कनेक्टिविटी मिलने से शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, व्यापार समेत तमाम सेवाओं का विस्तार हो सकेगा। बता दें कि कल पीएम नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली इस हवाई अड्डे का उद्घाटन किया था। मध्य प्रदेश के बुधनी विधानसभा पर होने वाले उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने पूर्व सांसद रमाकांत भार्गव को प्रत्याशी बनाया है। इसके पहले शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान के नाम की चर्चा चल रही थी। कयास लगाया जा रहा था कि कार्तिकेय को बुधनी से टिकट मिल सकता है, लेकिन अब तस्वीर साफ हो गई है। टिकट कटने के बाद कार्तिकेय सिंह चौहान की पहली प्रतिक्रिया भी सामने आई। कार्तिकेय ने कहा कि पार्टी ने एक मजबूत और अनुभवी नेतृत्व बुधनी को दिया है। हिमाचल प्रदेश में बाल विवाह करके नियमों को तार तार कर रहे हैं लोग। 5 साल में 250 से अधिक शिकायतें आई सामने। जम्मू कश्मीर के सोनवर्ग इलाके में बड़े आतंकी हमले की खबर सामने आई, जहां आतंकियों ने जोजिला टनल में काम कर रहे प्रवासी मजदूरों पर गोली चलाई, जिसमें 3 मजदूरों की मौत हो गई। फायरिंग की खबर मिलते ही सेना और पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई और आतंकियों की तलाश शुरू कर दी है। तो ये थी आज की ताजातरीन खबरें। ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आप और आपके जानने वाले रह सकें देश और दुनिया के तमाम खबरों से अपडेट।